दोस्तों, डॉक्टर बनो मेरे भाई, नहीं तो पैसा लगेगा, बीमारी में तो हाथ मलते रह जाओगे। इसीलिए मैं आप लोग से हाथ जोड़ करके कहूँगा कि इस वीडियो को जरूर अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलिए इस कमाल की वीडियो को शुरू करते हैं। सवाल नंबर एक, चना की सब्जी खाने से कौन सा बीमारी नहीं होती है? दोस्तों नहीं जानते हैं तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब मेरे भाई जरूर कीजिएगा। दोस्तों इसका सही आंसर है, चना की सब्जी खाने से पेट में गैस की बीमारी कभी नहीं होती है। जब पेट में गैस नहीं बनता है तो कोई प्रकार की बीमारी जो है शरीर में उत्पन्न नहीं होगी, तो पैसा जो है वो सब बचेगा दोस्तों। सवाल नंबर दो, पानी कितना देर खुला में रखने पर खराब हो जाता है? दोस्तों नहीं जानते हैं तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। दोस्तों इसका सही आंसर है, प्लास्टिक की बाल्टी में पानी तो नहीं रखना चाहिए, लेकिन रखने से 6 घंटे में खराब हो जाता है खुला में। इसीलिए प्लास्टिक जो है उसमें जरूर ढक करके रखें, ढक्कन लगा करके रखें। सवाल नंबर तीन, घर में कौन सा चीज रखने से लकवा की बीमारी नहीं होती है? दोस्तों नहीं जानते हैं तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब मेरे भाई जरूर कीजिएगा। दोस्तों इसका सही आंसर है, घर में मिट्टी का तेल रखने से घर में लकवा और फालिस की बीमारी कभी नहीं होती है, और दहिने अंग में लकवा जीवन में भूल करके भी नहीं होता है। इसलिए आधा से 1 लीटर घर में मिट्टी के तेल जरूर रखना चाहिए। सवाल नंबर चार, बाजार का सब्जी कैसे बनाने से बीमारी नहीं होती है? दोस्तों नहीं जानते हैं तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब मेरे भाई जरूर कीजिएगा। दोस्तों इसका सही आंसर है, खूब अच्छा से धोकर बनाने से कोई प्रकार की बीमारी शरीर में उत्पन्न नहीं होती है, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा खाद खरीद करके उपजाई जाती है और दवा छिड़क करके उपजाई जाती है, इसीलिए धो करके बनाएं। सवाल नंबर पाँच, हरा मिर्चा तेल में भून कर किस मौसम में खाने से स्वस्थ शरीर रहता है और कोई प्रकार की बीमारी नहीं होती है? दोस्तों इसका सही आंसर है, ठंडा के मौसम में खाना में जरूर खाना चाहिए हरा मिर्चा को भूज करके, इससे ठंडा का अंश जो है वो कम लगता है, यानी ठंडा का प्रभाव बहुत कम लगता है, गर्मी में बिल्कुल ना खाएं। सवाल नंबर छः, अच्छा आदमी के संगत करने से क्या फायदा मिलती है? दोस्तों नहीं जानते हैं तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब मेरे भाई जरूर कीजिएगा। दोस्तों इसका सही आंसर है, अच्छा आदमी की संगत करने से घर में लक्ष्मी माता आती है और शिक्षा भी मिलता है, इसीलिए अच्छे से अच्छे आदमी को और शिक्षित आदमी के पास में उठना चाहिए, बैठना चाहिए और रहना चाहिए दोस्तों। सवाल नंबर सात, गर्मी के मौसम में हफ्ता में खिचड़ी कितना दिन खाना चाहिए कि कोई प्रकार की बीमारी शरीर में ना हो पाए? दोस्तों दोस्तों इसका सही आंसर है, गर्मी के मौसम में हफ्ता में खिचड़ी 2 बार खाना चाहिए, इससे पेट साफ रहता है, इससे ज़्यादा भी खाना चाहिए, उसमें दही मिला करके खाना चाहिए कि पेट जो है वो पूरा क्लियर और साफ और सुंदर रहे। सवाल नंबर आठ, मूंग की दाल किसको ज़्यादा खाना चाहिए? दोस्तों नहीं जानते हैं तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब मेरे भाई जरूर कीजिएगा कि ऐसी जानकारी हमेशा मिलती रहे। दोस्तों इसका सही आंसर है, कमजोर लोगों को ज़्यादा खाना चाहिए मूंग की दाल। मूंग की दाल खाने से मोटापा बढ़ता है और ताकत इतना बन जाता है, इसीलिए मूंग को दाल जो है वो खूब खाना चाहिए दोस्तों। सवाल नंबर नौ, मूली खाने से कौन सा बीमारी नहीं होती है शरीर में भूल करके भी? दोस्तों नहीं जानते हैं तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब मेरे भाई जरूर कीजिएगा। दोस्तों इसका सही आंसर है, बवासीर की बीमारी नहीं होती है और आंखों की रोशनी जो है वो अच्छा और सुंदर बना रहता है, इसीलिए मूली जो है वो खूब खाना चाहिए दोस्तों। जो लोग नहीं खाते हैं उन्हीं को आंख खराब होती है। सवाल नंबर 10, जो लोग नहीं घूमते हैं फिरते हैं उनको कौन सी बीमारी होती है? दोस्तों नहीं जानते हैं तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों इसका सही आंसर है, कंप्यूटर पर काम करने वाले को उनको ज़्यादा पेट की बीमारी पड़ जाती है, इसीलिए जरूर एक जगह जो बैठ करके काम करते हैं उनको खूब घूमना चाहिए, फिरना चाहिए। दोस्तों वीडियो पसंद आई तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। थैंक यू मेरे भाइयों।